नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द न्यू एक्सप्लोरिंग सिटी ऑफ जयपुर। जी हाँ, हम जयपुर सिटी में एंटर कर रहे हैं और ये एक वन ऑफ गेट है जो कि जयपुर सिटी में एंटर करने के लिए, जैसे ही एंटर होते हम वेलकम के लिए, हमारे यहाँ पे हवा महल दिख रहा है जो कि जयपुर का एक बड़ा सा लैंडमार्क है, टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, जो वही हम लोग भी यहाँ पे देखने आए हैं। जी हाँ, ये हमारा होटल है द फर्न रेसिडेंसी। ये एक एक्सक्लूसिव 3-स्टार होटल है जहाँ से हम वेलकम गेट से एंटर करने के बाद जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स एन अमेजिंग होटल जहाँ पे एंटर करते ही हमें वेलकम ड्रिंक एंड प्लेजर वेलकम किया जाता है। जहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर पे होटल है ओरा नाम से, और एंटर करते ही यहाँ पे आपको बफेट और रैंडमली आप अला कार्ते भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक अट्रैक्टिव और नीट एंड क्लीन होटल है, 3-स्टार होटल आप इसे कह सकते हैं। हाँ, उसी लेवल से ये मेंटेन किया है द फर्न रेसिडेंसी। टोटल 7 फ्लोर का होटल है जिसमें से टॉप फ्लोर पे आपको टेरेस एंड बार और ग्राउंड फ्लोर पे आपको होटल देखने मिलता है। जी हाँ, ये हमारा रूम टूर है जो कि 303 से आप एंटर करने के बाद देख सकते हैं। बालकनी तो, लेकिन विंडो से आपको एक अट्रैक्टिव लुक एंड अ क्वीन साइज बेड विथ क्लीन बाथरूम। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देन बेसिक टेलीविजन, देन कॉम्प्लीमेंट्री टी, वाटर बॉटल्स और एक रिक्लाइनिंग चेयर। जी हाँ, बिल्कुल जो कि बेसिक सी ज़रूरत है वो सभी आपको 24/7 और कोऑपरेटिव स्टाफ के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, वॉशरूम सबसे ज़रूरी होता है, आप देख सके तो ये भी बहुत ही जैसे आपको फोटोज में दिखता है वैसे ही आपको एक्चुअल में मिलता है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई विजिट करना चाहे तो बिल्कुल ऑनलाइन इस होटल को बुक करके जा सकते हैं। जैसे हम होटल से बाहर आते हैं, ये एक लॉबी है। जी हाँ, हमारे रूम के बाहर का लॉबी, ये भी बिल्कुल बेहतरीन सा है, द फर्न रेसिडेंसी। जी हाँ, टोटल 7 फ्लोर का होटल है और दैट्स एन अमेजिंग होटल। हाँ जी, ये होटल का टेरेस लुक है, आप अगर देख सकते हैं तो स्विमिंग पूल, बार और द अमेजिंग मेंटेनेंस ऑफ चेयर्स एंड द टोटल सिटी व्यू, इट्स कम्प्लीटली सेंटर ऑफ एन अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं इसके। और ये जो स्विमिंग पूल है, जिसमें कंडीशन है आप स्विमिंग सूट पहन कर ही स्विम कर सकते, लेकिन फिर भी हम भूल गए थे लेके जाना, बट द व्यू वॉज अमेजिंग बाय सिटिंग ओवर हियर हैविंग अ लंच एंड लिकर। आई वुड से इट्स लाइक अ पार्टी फॉर एवरीवन, अगर आप यहाँ पे नाइट में या फिर डे में भी विजिट कर। और जैसे ही हम होटल से बाहर लंच के लिए निकलते हैं आउटसाइड में, जहाँ पे हमें ये राजस्थानी फोक म्यूज़िक हमें वेलकम के लिए सुनाई देता है, जो कि बहुत ही मधुर और अमेजिंग सा हमें एक फील देता है, जो कि नेचुरल लोगों में जो जी बिल्कुल। इसके बाद हम पहुंच गए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जहाँ पे ये बाहर का नज़ारा है, और हम जैसे इसके अंदर जाते हैं आप अंदर से भी इसको देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव और कितना इंटरेस्टिंग सा इसको बनाया गया और सजाया गया। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही जतन करके रखा है, बहुत मतलब पुराने ज़माने से, आज भी इसका वही अप्रतिम सा लुक आप देख सकते हैं। के अंदर भी कुछ ममीज और उस ज़माने की कुछ पिक्चर्स, कुछ कलाकृतियाँ आज भी संभल के रखी है उसी क्वालिटी से, उसी। इसके अलावा दोस्तों, जो कि जंतर मंतर, जल महल, सिटी पैलेस, नाहरगढ़, जयगढ़, आमिर फोर्ट, ऐसे बहुत सी अट्रैक्टिव लोकेशंस है जयपुर में, जहाँ पे आप एक नहीं कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे पूरा विज़िट करने के लिए। जी हाँ, ये जो सेकंड लोकेशन है हमने विज़िट किया था जिसका नाम था नाहरगढ़। जी, ये देख सकते हैं नाहरगढ़ किस तरह से इन्होंने मेंटेन किया है, पूरी ग्रीनरी, और ये बिल्कुल ही मतलब सिटी से एकदम हाई लेवल पे है,
जहाँ से हम पूरे सिटी का नज़ारा देख सकते हैं। इस टॉप फोर्ट से बिल्कुल सॉरी मैं आपको इस बारे में कुछ एग्जैक्टली नंबर्स नहीं बता सकता कितना ऊपर है कितना नीचे है, जी हाँ, लेकिन हाँ इस फोर्ट से आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। जी देखो ये अंदर से कितना साफ़ सुथरा और कितना क्लीन और कितना प्यार से इसको मेंटेन किया गया है। और ये ग्रीनरी आप देखिए, जी हाँ यहाँ पे कुछ पीकॉक्स भी आपको देखने मिलते हैं, हाँ जी, जो कि बहुत ही रेयरली हमें अपने सिटी में और अपने शहरों में देखने मिलता है। बहुत ही सुंदर सा और अट्रैक्टिव सा प्लेस है ये, वन ऑफ गटोरे की छतरी आकर के एक प्लेस है, हाँ जी, एक वन ऑफ मोनूमेंट है जहाँ पे मतलब एक अट्रैक्शन करके लोगों के लिए बनाया करता था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपने इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो इस जगह पे विज़िट कर सके। थैंक यू, बाय बाय।